हेलो एवरीवन, तो मैं मिलवाती हूँ आप सबको मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर से, और इनका नाम है पद्मा। और कैसे आपको मेरा एड्रेस वगैरह मिला यहाँ पे आने के लिए? आपका एड्रेस मेरे को यूट्यूब चैनल से देखा। हाँ, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल देखती हैं और वहीं से मुझे फॉलो करते हुए आई हैं। मॉर्निंग से निकली हैं और अब जाके इनको मेरा पार्लर मिला है, तो इनका मैं हेयर कट मेकओवर करने वाली हूँ। तो चलिए, ये जो है बहुत ही स्वीट है, इनसे बातें भी करते जाएंगे और इनका हेयर कट भी होते जाएगा, तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो ये वीडियो मैं फिर से अपलोड कर रही हूँ क्योंकि पहले जो अपलोड की थी उसमें कुछ एरिया ब्लैंक रह गया है, तो उसमें वॉइस ओवर तो हो रहा है लेकिन जो क्लिप है वो मिस हो गई है। इस वजह से इसको मैं फिर से अपलोड कर रही हूँ ताकि आप कटिंग को अच्छे से सीख सकें। तो सबसे पहले बीचों बीच से आपको एक टाइप से मीडियम हेयर को निकाल लेना है, दोनों तरफ का मिक्स करते हुए, ठीक है? बीचों बीच से लेना है, अच्छे से सुलझा लेंगे कोम करते हुए। उसके बाद में क्या करेंगे, जो नेप एरिया होता है वहाँ से बैक से आपको हेयर को उठाना है गाइडलाइन बनाने के लिए, इस टाइप से। अच्छे से सुलझाते हुए इसको पहले हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि नीचे के हिस्से में काफ़ी अच्छे थिक हेयर हैं बट यहाँ पे काफ़ी लाइट हेयर है, तो मैं इनसे यही पूछ रही थी कि आप किस तरीके से अपना हेयर स्टाइल करती हैं। तो ये बोल रही थी मैं बन ज़्यादा बनाती हूँ, तो एक ही स्टाइल में कभी भी आप बालों को ना बांधें, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तो वरना एक ही जगह से करोगे तो हेयर फॉल होगा। यहाँ पे गाइडलाइन के लिए दोनों बालों को एक साथ में ऐसा मिक्स करना है और नीचे के हेयर के हिसाब से ऊपर वाले बालों को कट कर देना है। तो ये हमारी जो है गाइडलाइन बन चुकी है। अब नीचे के बालों को मैं नीचे ही ऐसे ही छोड़ दूंगी। उसके बाद में ईयर टू ईयर सेक्शन डिवाइड करना है, इस तरीके से पार्टिंग को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। कान के पीछे से ही हेयर को लेना है और जो पीछे वाले हेयर है ना उसको आप ऐसा क्लच कर देंगे ताकि कोम करते टाइम पे वो फंसे नहीं। अब हम क्या करेंगे, साइड से पतले पतले आपको सेक्शन उठाने हैं यहाँ पे। तो टॉप एरिया में भी इनके जो हेयर हैं वो काफ़ी थिन हैं, नीचे में हेयर की थिकनेस अच्छी है बट जो टॉप एरिया होता है वहाँ भी काफ़ी थिन हेयर है इनका। तो पतले पतले सेक्शन के साथ में ही काम करना है, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे फिर धीरे धीरे। और इसमें जो है आपको अपोजिट डायरेक्शन में ही खड़े होके कटिंग करना है। तो अभी मैं देखिए इस तरीके से साइड में जाके खड़े हो जाऊंगी, तो जब आप लेफ्ट का करेंगे तो राइट में जाके खड़े होंगे, राइट में का करना होगा तो लेफ्ट में खड़े होंगे। तो बस इस तरीके से लेयर वाइज आपको हेयर को लेना है, गाइडलाइन के साथ में मिक्स करते हुए बराबर कट करना है, ओके? तो देखिए मैं यहाँ पे पतले पतले सेक्शन ही डिवाइड कर रही हूँ। थिकनेस के हिसाब से आप सेक्शन कम ज़्यादा करेंगे बट कम से कम 4 to 5 तो आपको रखना ही रखना है। थिकनेस ज़्यादा है तो कम से कम आप जो है 7 to 8 सेक्शन जरूर डिवाइड करेंगे। तो इसको जो है धीरे धीरे थोड़ा सा अपनी तरफ डाउन करते हुए आप कोम करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो लेयर स्टेप्स आएंगे ना वो थोड़े से बढ़ते हुए क्रम में आएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो कि लुक वाइज बहुत अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी मैं 2 parts डिवाइड कर लूँगी। हेयर काफ़ी ज़्यादा इनका फंसने वाला था और हेयर में काफ़ी ज़्यादा जो है ब्रेकेज है, जैसे कि टूटे टूटे हुए हेयर काफ़ी ज़्यादा है, पूरा ऊपर से नीचे तक एकदम प्लेन हेयर नहीं है, बहुत टूटा टूटा सा हेयर है। इसके लिए मैं मिक्सिंग करके कटिंग करूँगी ताकि वो प्रॉब्लम भी हाइड हो जाए और अच्छा लुक भी आ जाए। तो लास्ट वाले हेयर को भी इस तरीके से मिक्स कर लूँगी, कान के पास में अच्छे से हेयर को कोम करेंगे। स्टेप कटिंग में कोमिंग पे बहुत ध्यान देना होता है, वैसे कोई भी कटिंग हो सब में करना होता है लेकिन स्टेप्स कटिंग में खास करके, क्योंकि हेयर जब आप ऊपर की तरफ लेके जाते हो तो आपको रूट से एंड तक कोम अच्छे से करनी होती है, क्योंकि अगर कहीं पर भी आप नहीं करोगे और वो लूज़ रह जाएगा तो बाद में ड्राई होने के बाद वो बाहर निकलेगा, तो वो आपकी कटिंग को पूरा अनइवन कर देगा। तो इस तरीके से करने के बाद में अब हम करेंगे इसमें लेयर मिक्सिंग। तो पूरे बालों को एक साथ में होल्ड करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो पहले इसको आप जो है 180 डिग्री पे इस तरीके से कट करेंगे, तो इसका भी एक तरीका है, पहले 180 डिग्री पे फिर उसके बाद थोड़ा सा डाउन करते हुए, जैसे कि 190 और उसके बाद उससे थोड़ा और डाउन। तो अभी मैं इसको 190 पे कर रही हूँ, ये देखिए ये 190 डिग्री पे हो गया। अब जो है लास्ट में एक बार फिर से
थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा डाउन करते हुए, और इसको हल्का सा सामने की तरफ लेके जाएंगे कोम्ब करते हुए इस टाइप से, तो ये हो जाएगा 195 डिग्री। तो ये हो गया है। दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही कर लेना है। गाइडलाइन के लिए थोड़े से हेयर को हम निकालेंगे और सेम वैसे ही पार्टिंग को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ये देखिए कान के पीछे से ही हेयर को लेना है। अब इसमें भी वैसे ही पतले पतले से सेक्शन आपको डिवाइड करने हैं। अब देखिए मैंने डायरेक्शन चेंज कर ली, मैं उधर साइड में जाके खड़ी हो गई हूँ और इस तरीके से इसको गाइडलाइन के साथ में मिक्स करना है और बराबर कट कर देना है। बहुत इजी प्रोसेस है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर चीज़ें मिस हो सकती हैं, अदरवाइज इतना टफ प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। फिर से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और कटिंग की तो मैंने ऑल टाइप्स के हेयर पे बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, फिर भी जैसे कमेंट आते रहते हैं कि कर्ली हेयर पे, थिन हेयर पे, तो अगर आप चैनल पे जाएंगे चेक करेंगे तो आपको ऑल टाइप्स की वीडियो मिल जाएंगी। वैसे तो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट के हिसाब से वीडियो हमेशा अपलोड करते रहती हूँ, फिर भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग तो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो शुरू से अभी तक मुझसे जुड़े हुए हैं, तो वो लोग तो हमेशा वॉच करते आ रहे हैं तो उनको पता है, लेकिन जो लोग न्यू जुड़ रहे हैं तो इसलिए मैं इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि कोई भी वीडियो अगर आपको देखनी है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, चैनल पर जाइए चेक करेंगे तो आपको सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पे लास्ट वाले हेयर को भी इस तरीके से मिक्स करना है। देखिए जो हेयर मैं कट करी वो कितना पतला है और कर्ली टाइप का है, बहुत ही वेवी हेयर है, तो उसमें अगर मैं ऐसे लॉन्ग रख के कट करती ना तो उतना अच्छा लुक भी नहीं आता और उसको रखने का भी कोई मतलब नहीं था। मिक्सिंग के लिए सेम आपको वही प्रोसेस कर लेना है। पहले आपको हाइट पर लेके जाना है सीधा, जो भी आपको अनइवन लगेगा सिर्फ और सिर्फ आपको वही कट करना होगा। अब उसके बाद उससे थोड़ा सा डाउन करते हुए कट करेंगे, ये देखिए। तो आज की वीडियो में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई क्योंकि फिर से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है और अभी ये अपलोडिंग के प्रोसेस में भी जाएगा, काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि पीछे के हेयर को आप कैसे कट करें। आप चाहें तो बीच से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो वाला भी प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, बट आज मैं साइड से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो गाइडलाइन के लिए पतली सी लेयर को निकाल लेना है, थोड़े से बालों को कटिंग करने वाले हेयर के साथ में मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे कोम करते हुए हम हेयर को अब ऊपर की तरफ लेके चलेंगे, मतलब 190 डिग्री पे, और इस वाली लेयर को आप क्रॉस करते हुए कट करेंगे। कैसे क्रॉस करना है अभी आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जैसे फेस के सामने नहीं लेके जाना है, ओके, इसको जो है आप ये देखें इस तरीके से क्रॉस करेंगे, जैसे कि राइट में रहोगे तो उसको लेफ्ट साइड में करोगे, लेफ्ट में रहोगे तो उसको राइट साइड में करोगे, बट ऊपर से ही। और छोटे वाले जो हेयर दिख रहे हैं वो गाइडलाइन है, जस्ट उसी के हिसाब से इसको बराबर कट कर देना है। फिर से जो है आप एक बार रीचेक कर लेंगे और बराबर ऐसा कट कर देना है। तो यहाँ पे ये वाली लेयर कट हो गई है। अब जो बीच वाले हेयर हैं उनको हम सीधा कट करेंगे, सीधा मतलब सामने की तरफ लेके जाएंगे। सामने की तरफ कैसे लेके जाना है, इस टाइप से कोम करेंगे, ऊपर से भी गाइडलाइन ले लेंगे, एक गाइडलाइन सामने से हो साइड से हो गई, एक ऊपर से हो गई और एक जो है हमने नेप एरिया पे जो बनाई थी वो वाली। तो इसको देखिए मैं सामने की तरफ लेके जा रही हूँ, 190 डिग्री पे ले जाना है और बराबर ऐसा कट करके हेयर को एक्स्ट्रा निकाल देना है। फिर से एक बार रीचेक कर लेंगे। तो ये आपको जैसे कि मान लीजिए किसी का हेयर बहुत घना है, ओके, तो जितने भी सेक्शन बीच में निकलेंगे आपको वो फ्रंट की तरफ लेके जाना है, सामने। सिर्फ आपको जो ईयर टू ईयर वाला सेक्शन है, मतलब कान के पीछे वाले जो हेयर को आप कट करोगे, सिर्फ आपको वही क्रॉस करना है एक दूसरे से, बस।
तो इस वाले हेयर को भी देखिए मैं सीधा ही लेके जाऊंगी सामने की तरफ। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा हो। हल्का सा डाउन करेंगे और बराबर कट कर देना है। फिर से एक बार रीचेक कर लेंगे। रीचेक करने से कटिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है, क्योंकि कहीं से भी गड़बड़ होने के चांसेस ही नहीं रहते। जो भी रहता है वो अच्छे से आपका कट परफेक्ट होते हुए चलता है। अब क्या करना है, अब इधर का पूरा कट हो चुका है, साइड से हेयर को निकालेंगे। अब इस वाली जो लेयर को करेंगे उसको हम क्रॉस करके करेंगे, ठीक है। सामने से जो लेयर हो चुका है उसको तो हमें कुछ करना ही नहीं, पीछे वाले हेयर में आपको सेम यही प्रोसेस करना रहेगा। तो इसको भी आप देख सकते हो मैं इस तरीके से क्रॉस कर रही हूँ और बराबर कट कर दे रही हूँ। तो देखिए इनका जो हेयर है पतला हेयर है, तो इसको मैं और अच्छा घना लुक देने के लिए क्या करूँगी, तो मैं इसमें करने वाली हूँ 1 स्ट्रोक ट्विस्टिंग स्टेप्स हेयर कट। पूरे बालों को एक साथ में कोम की हेल्प से आप जो है बालों को ग्रिप करेंगे और कोम की हेल्प से इसे ट्विस्ट करेंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसे हाफ एंड हाफ डिवाइड करके 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं, बट एक बार में अगर करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करते करते सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे जितना मुझे छोटा बड़ा लगेगा सिर्फ उतना ही मुझे कट करना है। उसके बाद में इसमें मैं करूँगी थोड़ा सा फ्लावर कट भी मिक्स। तो एक ही बार में हेयर को उठाएंगे और इस तरीके से गोलाई से ट्रिम कर देंगे। तो ये हो गया है मिक्सिंग। तो इतने से ही काफ़ी अच्छा घना लुक आ जाएगा इसमें। उसके बाद में हेयर को हम इस तरीके से हाफ एंड हाफ डिवाइड करेंगे और अब इसमें हम करने वाले हैं लेयर कट सामने से। तो उसके लिए इस तरीके से आपको तिरछी पार्टिंग करनी है, जैसे कि हम वी बनाते हैं ना, उस तरीके से तिरछा सेक्शन आपको डिवाइड करना है। हेयर को आपको इसमें भी कम से कम 3 जो है डिग्री शामिल करनी है, जैसे कि 180 डिग्री, 190 डिग्री एंड 195 डिग्री। इस तरीके से आपको पहले ऊपर, फिर थोड़ा सा डाउन, फिर उससे भी ज़्यादा डाउन करते हुए कट कर देना है। तो जो हेयर मेरा बड़ा दिख रहा है सिर्फ उसको ही मैं कट कर रही हूँ, छोटे वाले को आपको कुछ भी नहीं करना है। साइड में आपको पीछे की तरफ खड़े होना होगा। कटिंग में एक एक चीज़ को आप लोग नोटिस किया करें, हाथों का मूवमेंट, कोमिंग करने का तरीका, कहाँ पे खड़े होना है, किस तरीके से हेयर को ग्रिप करना है, ये सारी चीज़ें आप ना वीडियो में देख के ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद में इस टाइप से आपको कट कर लेना है। फिर से जो पीछे का हेयर है उसको भी सेम वैसे ही आप तिरछा डिवाइड करेंगे और गाइडलाइन के साथ में मिलाते हुए कट कर देना है। तो ये देखिए पहले ऊपर लेके गई मैं, फिर से कोम की, नीचे थोड़ा सा डाउन की। अब इसको क्या करेंगे, इसमें हम करने वाले हैं नोचिंग। नोचिंग कैसे करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। और नोचिंग के लिए आप हेयर को थोड़ा दूर से पकड़ेंगे, मतलब जो सामने आगे का हिस्सा है थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, और ऐसा सीजर को स्लाइड करेंगे। कट नहीं करना है, स्लाइड करना है। तो इससे ना ये फ्रंट का जो वेट है वो कम हो जाएगा, और वेट कम होने की वजह से स्टेप्स का जो लुक है वो एक एक बिल्कुल निखर के पता चलेगा। मतलब उसमें वेट नहीं रहेगा ना, तो वो आपको बिल्कुल फ्री दिखाई देगा। तो सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड का भी कंप्लीट कर लेना है। तो एक साइड का मैं इसलिए दिखा रही हूँ और इधर का स्किप कर दे रही हूँ। उसके बाद में क्या करना है, हमें नीचे से थोड़ी थोड़ी सी बैक से फिनिशिंग देनी होगी। वैसे तो ऑलरेडी इसमें बहुत अच्छा शेप आ चुका है, और अगर नहीं भी करती तो भी चलता है, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा फिनिशिंग दूंगी ताकि कटिंग एकदम परफेक्ट दिखे। तो ये तो आप सबको पता ही है कि यू कट के लिए आपको सेंटर से बराबर और साइड से हल्का सा तिरछा कट करना होता है, और इसमें ऑलरेडी देखिए बहुत परफेक्ट शेप दिख रहा है। नहीं भी अगर मैं करती तो चल जाता, लेकिन करने से और अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से इनका हेयर कट यहाँ पे डन हो चुका है। सेटिंग का मैं छोटा सा क्लिप इसमें ऐड कर दे रही हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आप समझ सकें कि मैंने कैसे किया हुआ। अगर आप फुल प्रोसेस देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं इसका सेटिंग का अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो वो आप देख लेना कि किस तरीके से मैं की हूँ। तो सेटिंग के लिए ना आप लोग ये वाली जो है राउंडर ब्रश जरूर रखें, बहुत अच्छी रहती है, और इसके साथ साथ में एक पैडल ब्रश भी रखें, क्योंकि सेटिंग में ये बहुत काम आती हैं। तो यहाँ पे ये जो है कंप्लीट हो चुका है, और फाइनल लुक देखिए कुछ इस तरीके से निकल के आया हुआ है। जितना इनका डैमेज हेयर था उतना मैं निकाल दी हूँ, और सिर्फ हेल्दी हेयर इनका बचा हुआ है। और जितना भी ब्रेकेज की प्रॉब्लम थी वो स्टेप्स इसमें इतने ज़्यादा आ गए हैं कि वो भी हाइड हो गए हैं। पोनी बनाएंगी तो कुछ इस तरीके से लुक आएगा।
तो थिन हेयर के लिए आप लोग पूछ रहे थे ना, तो इस तरीके से मिक्स करके आप कटिंग करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर किसी का हेयर अच्छा घना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप फ्रंट से जो लेयर स्टाइल में बताई हूँ ना वो कर देंगे ना तो बहुत अच्छा लुक आ जाएगा, उसमें आपको मिक्सिंग भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों को कैसा लगा हेयर कट मुझे कमेंट करके बताना, मुझे बहुत अच्छा लगा और इनको भी बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे इनका हेयर कट कम्प्लीट हो चुका है, कैसा लगा आपको हेयर कट? बहुत अच्छा, पसंद आया जी। तो फुल मेकओवर हो गया, ये आप देखिए कितना स्मार्ट और ब्यूटीफुल लग रही। वैसे तो वो पहले भी बहुत अच्छी थी, बट हेयर कट होने के बाद जो लुक चेंज होता है ना वो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो नेक्स्ट टाइम और आना है कि नहीं जरूर। तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और इनके लिए एक लाइक बनता है, तो ढेर सारा लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। कल मिलते हैं कौन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।